तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहां भी होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं राजन सिंह रायहेलू के बारे में। जी हां, शायद आपने नाम ना सुना हो क्योंकि यह कोई क्रिकेटर या फिल्मी हीरो नहीं है। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे राजन सिंह रायहेलू कभी बचपन में अपने पैरों पर चल नहीं सके क्योंकि उन्हें बचपन में महज 8 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जिसके पैर इतने कमज़ोर हैं कि वह ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वह 185 kg वज़न उठा सकता है? राजन सिंह रायहेलू यह कारनामा दिखा चुके हैं। उन्होंने 2004 में कॉमनवेल्थ खेलों में हैवी वेट लिफ्टिंग में 185 kg वज़न उठाकर रजत पदक जीत चुके हैं। राजन सिंह रायहेलू उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो शारीरिक इनएबिलिटी से पीड़ित हैं। 22 जुलाई 1973 को जन्मे राजन सिंह को 8 महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था। उनका बचपन गरीबी और विकलांगता से लड़ने में बीता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 1996 में उन्होंने अपने मित्र से प्रेरणा लेकर वेट लिफ्टिंग में करियर बनाने की सोची। वे प्रैक्टिस करने के लिए ट्राईसाइकिल पर जाते थे। जहाँ ट्राईसाइकिल नहीं ले जा सकते थे वहाँ वे अपने हाथों से चल के जाते थे। कई मुसीबतें आई लेकिन उन्होंने अपने हार नहीं मानी और बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली। राजेंद्र अपनी मेहनत से पावर लिफ्टिंग में कामयाब होते गए। सन 2004 में उन्होंने 56 kg एथेंस पारा ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2008 और 2012 पारा ओलंपिक खेलों में पावर लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2012 में पारा ओलंपिक में भी 175 kg वजन उठाने में अपने तीनों प्रयासों में चूक गए थे, हार गए थे, असफल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करके 185 kg वजन उठाकर एक रजत पदक अपने नाम किया और आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज वे एक कोच के रूप में युवाओं के लिए असक्षम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वे एक सच्चे हीरो हैं। उनके वजह से लोग हमारे लिए हर रोज एक नई आशा का किरण लेकर आते हैं जो ये साबित करते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजेंद्र सिंह रायहेलू जैसे लोगों ने यह साबित किया है कि असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपके पास क्या है सफलता इस पर निर्भर नहीं करती, सफलता इससे नहीं मिलती। आपके पास जो भी है आप उसे क्या हासिल कर सकते हैं सफलता इस पर निर्भर करती है।